देखिए कश्मीर फाइल्स हम सब देख चुके हैं, लेकिन अब कश्मीर फाइल्स के भी कुछ ऐसे किस्से जो अनरिपोर्टेड है, यानी जिनके बारे में कभी कहीं जिक्र हुआ ही नहीं। जल्द ही Z5 पर आने वाली है द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड, और इसी के चलते विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी पहुंच गए वहां जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई, यानी कश्मीर। अच्छे काम की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से करनी चाहिए। तो ऐसा ही कुछ करने द कश्मीर फाइल्स के मेकर्स विवेक रंजन अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी पहुंचे कश्मीर के प्राचीन शंकराचार्य मंदिर अपनी Z5 पर आने वाली नई डॉक्यू सीरीज द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड का शुभारंभ करने। हम शंकराचार्य पर्वत पे है, पीछे हमारे मंदिर है, और किसी भी, जैसे आपने सही कहा, किसी भी चीज़ का अगर शुभारंभ करना हो तो वो हमेशा भगवान के चरणों से ही करना चाहिए। और ये शिवजी की भूमि है, सरस्वती की भूमि है, तो शिवजी के आशीर्वाद के बिना कुछ हो भी नहीं सकता। और ये बड़ा ही शुभ शकुन है कि उन्हीं के दरवाज़े पर हम आए हैं, और वहीं पे उसी के फुटहिल्स पर हम हैं। अभी ऊपर जाएंगे थोड़ी देर में, उनका आशीर्वाद मिले तो और क्या चाहिए। हाँ, हम लोग जब शूटिंग कर रहे थे फिल्म की, उसके पहले भी मैं आ चुका हूँ यहाँ शूटिंग कर रहे थे, तब भी हम लोग यहाँ पे शूटिंग के लिए आए थे। और पूरी अगर आप फिल्म देखें तो क्लाइमेक्स में कृष्णा पंडित शुरू ही शंकराचार्य जी से करता है, और मेरे लिए इससे पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता कि ये जो इतनी दर्द और दुख भरी जो दास्तान है कश्मीर पंडितों के साथ, जो जेनोसाइड हुआ, जो हमने जिस तरह से कश्मीर को उजाड़ा, उसकी जो सत्य कथा है वो यहीं शंकर जी के और शंकराचार्य जी के कदमों में नतमस्तक होकर शुरू हो, इससे अधिक पुण्य का कोई काम नहीं हो सकता। पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। 1000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान महादेव के दर्शन उसे ही नसीब होते हैं जो श्रद्धा भाव से उन्हें मिलने की इच्छा जताते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कश्मीर की अनरिपोर्टेड कहानियां दर्शकों तक पहुंचाने का जज्बा विवेक और पल्लवी के दिल में है। I've got bad knees. That comes from 10 years of Antakshari and 5 years of Saregama, standing at one place in stilettos. से रूबरू होते हुए और कश्मीर के ये खूबसूरत नजारों को अपने कैमरा में कैद करते करते विवेक और पल्लवी ने अपनी मंजिल तय कर ली। जब इन दोनों ने इस भव्य मंदिर को देखा तो दोनों की सारी थकान गायब हो गई। हाथ में शिवजी के लिए जल और फूल लेकर विवेक पल्लवी अपने नए काम के लिए आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे।
इतना अच्छा और आज मौसम भी इतना अच्छा है और लोग भी बहुत अच्छे हैं चारों तरफ, इससे अच्छी वाइब्स मेरे ख्याल से हो नहीं सकती। बस सबका, सरस्वती माँ का, शिव जी का और शंकराचार्य जी का, ऋषि कश्यप का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी ही कामना है। देखिए उधर लाल चौक है, वो ब्रिज जीरो है वहाँ पे, उसके इस तरफ हरी पर्वत है और उसके उस तरफ आप देखें पूरी डल लेक और नगीना लेक है और ये पूरा कश्मीर आप देखिए इतना ब्यूटीफुल। हम यूरोप जाते हैं, दुनिया भर में जाते हैं, पर इससे खूबसूरत कश्मीर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से कश्मीर जैसा विश्व में कुछ नहीं है, गर फिरदौस जमी हस्तो, तो यही है, यही है, यही है। छवि अपने मन में बसा के और उनका ढेर सारा आशीर्वाद लेके पल्लवी और विवेक अपनी Zee5 पर आने वाली डॉक्यूमेंट्री द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड के लॉन्च के लिए निकल पड़े। दोनों भी तैयार होकर चेहरे पे एक्साइटमेंट लेकर द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे और अपने सालों की मेहनत की एक झलक इस ट्रेलर के जरिए उन्होंने लोगों को दी। छोटी सी झलक बिफोर वी टॉक टू पल्लवी जी एंड विवेक सर, थोड़ी देर में एक छोटी सी झलक बहुत जल्द आने वाली है द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड Zee5 ओरिजिनल सीरीज। कश्मीर में आप दिखते थे, यश चोपड़ा की फिल्में बना रहे थे, आप शिकारा देखते थे, जो हम देख रहे थे ये जैसी पीड़ा थी ट्रेलर लॉन्च और मीडिया को अपना इस डॉक्यूमेंट्री को शूट करने का अनुभव बताने के बाद वक्त था कश्मीर की टूरिस्टी चीजें करने का। कश्मीर में आए और डल लेक में शिकारा राइड पर नहीं गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो विवेक पल्लवी को लेकर शिकारा पर बैठकर डल झील की सैर करने निकले। बीचों बीच सैर करते करते उन्होंने SBS ओरिजिनल से ढेर सारी बातें भी की अपनी निजी जिंदगी के बारे में, कि कैसे वो दोनों घर में वक्त बिताते हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी और काम को बैलेंस करते हैं। ये विश्व की सबसे खूबसूरत जगह है, सबसे खूबसूरत जगह की सबसे खूबसूरत ये लेक है, इसका नाम है डल लेक और हम बैठे हैं इस वक्त एक ऐसी चीज पे जो सिर्फ यही मिलती है, इसको बोलते हैं शिकारा। शिकारा जैसे ही शब्द सुनते हैं सबसे पहले तो मुझे 1960s का दौर याद आने लगता है, शम्मी कपूर जी, शर्मिला टैगोर जी, ये सब दिखने लगते हैं, शशि जी दिखने लगते हैं। तो इतना एक्सप्लोर हुआ है कश्मीर हमारे हिंदी फिल्मों में। घर में डायरेक्शन नहीं चलता, ऑर्डर चलता है और ऑर्डर मतलब पहले तो मैं उस ऑर्डर से लड़ता था लेकिन अब बस वही है, दैट्स इट। अब हार मान ली? नहीं, हार जीत का सवाल ही नहीं है, मिलजुल के करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक का ऑर्डर है और एक फॉलोअर है, तो बिल्कुल एकदम बढ़िया चलता है। वाह वाह वाह। नहीं, जब भी फैमिली वेकेशंस की बात आती है तो फिर वही चीजें सबसे पूछा जाता है कि भाई तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या करना चाहती हो, और उस तरह से सारा मैं प्लान करती हूँ। मैं इन डिटेल पूरा प्लान करती हूँ कि डे वन हम लोग ये करेंगे, डे टू ये करेंगे, डे थ्री ये करेंगे, और जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ उसमें से कुछ भी नहीं होता, सब उल्टा हो जाता है। अब देखिए चार अलग अलग लोग हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं, बच्चे भी हैं, हम लोग भी हैं, तो फिर कुछ दिनों के बाद ना पल्लवी खुद ही बोर हो जाती है अपनी प्लान से। मैं बम्बई की हूँ, बॉर्न एंड रेस्ड इन मुंबई, अ ट्रू मुंबईकर एट हार्ट, तो मुझसे तो भैया पानी समंदर ये तो कभी छूटने वाला है नहीं, तो मुझे तो समंदर से बहुत प्यार है और मैं जहाँ भी मुझे बीचेस मिलते हैं, रिवर फ्रंट्स मिलते हैं, ऐसे जैसे लेक फ्रंट्स, मुझे वहाँ रहना बहुत पसंद है। लेकिन विवेक हमेशा अपनी स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए पहाड़ों में जाते हैं।
मैं पहाड़ मतलब मुझे हिमालय पसंद है, ऐसा नहीं किसी भी पहाड़ पे चले जाएं। और मैं आई एम बेसिकली अ नेचर पर्सन, तो जंगल हो, नदी हो, समुंदर हो, कुछ भी हो, मुझे सब पसंद है। आई एम अ नेचर पर्सन, आई एम नॉट अ सिटी एंड ये सिविलाइजेशन पर्सन नहीं हूँ मैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कश्मीर में कश्मीरियों के साथ मिलना, उनसे गप्पे मारना, उनके साथ बैठना, टू अंडरस्टैंड, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और मैं हर किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी कश्मीर आता है, चाहे ट्रैवल के लिए आए, चाहे काम के लिए, बहुत सारे डीप मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस कश्मीरी लोगों के साथ करना चाहिए, क्योंकि जो बीच में जो एक कम्युनिकेशन गैप हो गया बहुत ज़बरदस्त, उसको अब भरने का वक्त आया है। पल्लवी और विवेक का ये बेबाक अंदाज सिर्फ उनकी असल जिंदगी में ही नहीं, उनके आने वाले नए प्रोजेक्ट द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड में भी आपको देखने मिलेगा। श्रीनगर से नेहा सावंत की रिपोर्ट। ABP News आपको रखे आगे।